हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज सनी वर्मा। दोस्तों, ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आ जाइए सभी। अरे काफ़ी बच्चे आ गए। अरे शाबाश, आइए दोस्तों, आइए शाबाश। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक हमने किया क्या है। अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हमने यूनिवर्स कवर किया था, हालांकि वो ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया, लेकिन आपको फेमिलियर होने के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप एकदम से हैवी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, राइट। यूनिवर्स कवर किया था, उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ कवर किया है हमने, जिसके अंदर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और उसी के साथ साथ हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का पोर्शन कवर किया था। फिर मैंने एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके साथ आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आइए जी, आइए। जय हिंद, जय भारत, अ वेरी गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बताऊं, आपको लेना चाहिए। एक 6 मंथ्स का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर कार्तिकेय सर, अर्पित सर एंड टीम पूरी है, और NDA 2 के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स है वो, सो डेट आपका टाइम बाउंड मैनर के अंदर सिलेबस खत्म कवर हो जाए। तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा दोस्तों अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना गोल चूज़ करना है, NDA, एक्स एंड वाई एंड नेवी, राइट। उसके बाद ड्यूरेशन चूज़ करनी है, 6 मंथ्स का लेना है आपने, उसको पे करना है। लेकिन उससे पहले आपने एक रेफरल कोड एंटर करना है, सो डेट आपको 10% का मिले डिस्काउंट, राइट। रेफरल कोड इज टीम अर्पित, एज इट इज़ रिटन हेयर, टीम अर्पित, लेकिन आपने कैपिटल लेटर्स एंड विदाउट स्पेस यूज़ करना है, ठीक है। गौरव शर्मा जी, ले लो क्लास। क्लास में क्या है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई में और UPSC के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, राइट। चलिए, तो टीम अर्पित यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा डिस्काउंट। आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है घर पे, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले एटमॉस्फेयर हमने समझना है। लास्ट सेशन के अंदर कवर किया भी था कि एक गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस जिसने एनगल्फ कर रखा है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है हमारे अर्थ को, माय डियर फ्रेंड। अब अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो समझ आता है, ठीक है, कि हाँ हाँ कुछ ऐसे गैसेस है जिसने कवर किया हुआ है अर्थ को, मज़ा ही आ जाता है, सांस लेने को मिल जाती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा दो तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगी अगर कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, यहाँ तक समझ आता है। लेकिन उससे आगे क्या है, सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर की एक बात बता दूँ। एटमॉस्फेयर माय डियर फ्रेंड, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑल्टीट्यूड के साथ साथ उसकी लेयर्स चेंज होती रहती है, ठीक है जी, लेयर्स। तो यहां पर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। एक्सो मींस द स्पेस, राइट। नाउ जितने भी आपके फिनोमिनाज होते हैं, आपके वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे थर्मोस्फेयर में होते हैं। इट मींस रेन, प्रेसिपिटेशन, विंड, ये सारे के सारे फिनोमिनाज आपके ट्रोपोस्फेयर में होंगे। और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिनिमम या बहुत कम होंगे, ठीक है। अंजू शर्मा जी, मोर देन सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट, ठीक है जी। चलिए, अब स्पैम मत करिए। तो हमारे पास जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, रेन, क्लाउड, ये सभी के सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। देन जो सेपरेट करते हैं ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को, उसको ट्रोपोपोज कहेंगे। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है ट्रोपोपोज, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है स्ट्रेटोपोज, मेसोस्फेयर खत्म होता है मेसोपोज, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर लेयर्स को, एक तो एटमॉस्फेयर प्लस क्लाउड के अंदर खत्म करूँगा आज। मैं काम करता हूँ, पहले मैं क्लाउड वाला पोर्शन ही कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ा इजी भी है और आपको समझने में आसानी भी होगी, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्लाउड फॉर्मेशन देखते हैं। लव यू टू माय डियर फ्रेंड। अब क्लाउड बनते कैसे,
जो गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, सैचुरेशन, एयर गेट सैचुरेटेड। देन ऊपर जाते ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कहाँ पर, जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते रहेंगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आइसी क्रिस्टल्स के अंदर, मतलब कि कंडेंसेशन होगी, राइट। अब कंडेंसेशन हुई तो दोबारा से, और टेम्परेचर के साथ साथ जो मॉलिक्यूल एक्सपेंड हुए थे दोबारा से वो श्रिंक हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट होने पर वो वेट एग्जर्ट करेंगे पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा और उसके अंदर वेट भी आएगा, तो धीरे धीरे वो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे माय डियर फ्रेंड। तो अब समझने वाली बात है, यहाँ पर सबसे पहले क्लाउड देखते हैं कि व्हाट आर क्लाउड्स एक्चुअली। सो व्हाट आर क्लाउड्स, क्लाउड इज एन एक्यूमुलेशन और ग्रुपिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एयर कॉलम के साथ ही इवेपोरेट होकर ऊपर चले गए थे, ठीक है जी। दे गेट सस्पेंडेड इन द अर्थ एटमोसफेयर। नाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एयर बिकम सैचुरेटेड और फिल्ड विद वाटर वेपर एंड वार्म एयर होल्ड मोर वाटर वेपर देन द कोल्ड एयर। क्लास की टाइमिंग, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना ऊपर जाते हुए, जैसे कि मैंने अभी, एवरीथिंग इज रिटन हेयर, जो मैंने अभी आपको बातों बातों में बताया कि वेट हो गया उसका, फिर नीचे आ गए, ठीक है। तो आईसी क्रिस्टल्स कन्वर्ट हो गए एंड दे, जब वो होल्ड नहीं कर पाते मॉलिक्यूल्स को, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, अगर एयर कोलम वार्म होगा, अब जब भी क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होती है वो टाइनी आईसी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, टाइनी आईसी ड्रॉपलेट्स या स्मॉल आइस के फॉर्म में। अब एयर कॉलम वार्म होगा तो वहां पर होगी रेनफॉल, एयर कॉलम माइनस टेम्परेचर में होगा तो होगी स्नोफॉल, और अगर एयर कॉलम ऊपर वाला गर्म होगा और नीचे कोल्ड होगा तो वहां पे होगा स्लीट। क्या होगा, स्लीट, उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स रीफ्रीज हो जाती है, जिसको हम स्लीट बोलते हैं, वो स्नोफॉल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। स्लीट, राइट, चल। लेकिन अब हम देखेंगे क्लाउड्स, तो हर चीज साइकिल में चलती है, यहां तक कि हमने लिथोस्फेयर भी देखा, उसके अंदर भी एक साइकिल है, वाटर का भी एक साइकिल है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली हरियाणा में लग गया है लॉकडाउन और आई थिंक आपकी क्लासेस भी सुबह से वैसी नहीं हुई है, आई थिंक आज सारी क्लासेस नहीं लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है। तो एजुकेटर्स नहीं आए होंगे यहाँ तक, लेकिन क्लासेस लगेंगी, डोंट वरी एट ऑल, क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका ग्राउंड है, आपका अर्थ सरफेस, यहाँ से यहाँ पर वाटर अवेलेबल है इन एनी फॉर्म, लेक, आपकी लेक के फॉर्म में भी है, आपके पॉन्ड्स के फॉर्म में भी है, वहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन से फिर दोबारा उसके अंदर वेट आएगा, नीचे आएगा तो देन रेनफॉल, ठीक है। तो दोबारा से यही पानी जो सोर्स था वहाँ से दोबारा से इवेपोरेशन होगा, दोबारा कंडेंसेशन, दोबारा वेट, ऐसे ही साइकिल में चलता रहेगा, ठीक है जी, राइट। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि सिर्फ सारा का सारा जो खेल है यहाँ पे टेम्परेचर का है, लव यू टू, सारा का सारा खेल है यहाँ पर किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर, राइट। नाउ टेम्परेचर इफेक्ट किसको कर रहा है, एयर कॉलम को कर रहा है, किसको कर रहा है, एयर कॉलम को। नाउ एयर कॉलम क्या हो रहा है, उसके अंदर आईसी क्रिस्टल्स हैं या आईसी ड्रॉपलेट्स हैं, दे एग्जर्ट प्रेशर कहाँ पर, ऑन द सरफेस, ठीक है जी, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
बफ हो गया। जो मैंने अभी बताया वो क्लियर हुआ कि बीच में चला गया था, गायब हो गया था? जस्ट लेट मी नो। जो चीज़ें अभी बताई वो बीच में सुनी है आपने कि लैग हो गई थी? चलिए बता दीजिए। कोई बात नहीं। नाउ वी हैव क्लाउड्स माय डियर फ्रेंड। अब क्लाउड्स जो है उसकी अपीयरेंस के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर तीन तरीके से रखा हुआ है। रिपीट, क्लियर, लैग, रिपीट। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। माय डियर फ्रेंड, अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर जो हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसके बीच में क्या आ गया? टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर का सारा खेल है। टेम्परेचर से क्या हुआ है? एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हुए। एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते ही उस एयर कॉलम का वेट कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा उस यूनिट एरिया पर। तो क्या होगा वहाँ पर? लो प्रेशर। ठीक है जी, लो प्रेशर। लो प्रेशर अब क्या करेगा? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? वैक्यूम के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे, VUCWM होता है। ठीक है, हाँ। तो वैक्यूम यहाँ पर होगा तो दूसरी तरफ से आती हुई हवाओं को जगह मिल जाती है यहाँ पर आने की, और जब वो मूव करेगी तो उसी को हम बोलते हैं विंड। ठीक है, व्हेन एयर मूव्स दे आर कॉल्ड विंड, जिसको हम लोकल एयर के नाम से भी एंड प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जानते हैं, वो फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ अपीयरेंस के बेसिस पर और हाइट के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके क्लाउड्स को। नाउ हाई क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। ठीक है, अब जो हाई क्लाउड्स हैं वो साइरस हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटस है, यहाँ पर क्यूमुलस है, राइट। ये नोट कर लीजिए सब, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। यहाँ पर क्यूमुलस है और यहाँ पर स्ट्रेटस है, लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो साइरस आर हाई क्लाउड्स, दे आर मिडल क्लाउड्स एंड दे आर लो क्लाउड्स। ब्लू नाम कैसे आता है? जब मैं आपको मॉडरेटर बनाऊंगा तब आता है। अब यहां पर हाई क्लाउड्स की एक बार नाम देख लीजिए, द नेम इज साइरस। हाइट कितनी है उसकी? हाइट 13,000 मीटर्स के ऊपर। कितनी? 13,000 मीटर्स। मिडल क्लाउड्स या फिर अबव 6,000 मीटर्स, ये भी कह सकते हैं अबव 6,000 मीटर्स। ठीक है जी, क्लियर। मिडल क्लाउड्स दे आर आल्सो नोन एज आल्टो, इनको आल्टो भी बुलाते हैं। ठीक है, और इनको स्ट्रेटस भी बुलाते हैं, सॉरी क्यूमुलस भी बुलाते हैं। थोड़ा सा क्यूमुलस भी बुलाते हैं। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 2000 मीटर से अबव है, और जो आपके सरफेस के पास है उसको हम स्ट्रेटस बुलाते हैं माय डियर फ्रेंड, और उसको लो क्लाउड्स भी हैं वो, राइट। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे क्लाउड्स भी होते हैं जो लोअर ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड तक जाते हैं, इट मींस 2000 मीटर से 12,000 मीटर्स तक जाते हैं, उसको हम क्यूमुलोनिम्बस बुलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक अपीयरेंस होती है बहुत बड़ी सी,
कभी कभी आप देखते ना कि साईं बाबा जी बैठे हुए हैं बादलों में, आकाश में, है ना, हॉर्स रेसिंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ अपीयरेंस दिखती है आपको, गॉड ब्लेस यू यशपाल, तो वो आपके क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, राइट। अब जो पिछले स्टूडेंट थे मैंने उनको एक छोटी सी बात बुलाई थी, बताई थी कि जहाँ कहीं भी आप देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स या रेन बेयरिंग क्लाउड्स, वहां पर आप निम्बस लिखकर आ जाना, ठीक है, निम्बस। और ऐसा ही हुआ, वो आया एनडीए वन के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, उन्हें मालूम भी होगा एंड वो एग्री भी करेंगे कि ये बात ऑफलाइन क्लास में बताई गई थी। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं चलूँगा आगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर समझने की क्या बात है कि जो क्लाउड्स हैं उसको सेपरेट हम कर सकते हैं या फिर ये एक प्रोसेस है बड़ा या फिर बिगर क्लाउड बनने की। माय डियर फ्रेंड, अब क्लाउड है क्या पहले तो देखिए, क्लाउड है सस्पेंडेड वाटर वेपर और वो कंडेंस्ड होकर आईसी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, उनके ऊपर सनरेज गिरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो स्कैटर्ड सनरेज वाइट दिखती है, इसलिए क्लाउड्स हमें वाइट दिखते हैं। जनरली क्या है, वो ग्रुपिंग ऑफ आईसी ड्रॉपलेट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। अलग अलग हाइट पर उनकी शेप बदलती रहती है, ठीक है। वो कभी कभी आपको शीट की तरह दिखेंगे एकदम प्लेन, वो कभी कभी आपको एक कॉटन बॉल की तरह दिखेंगे, अनमोल यादव डोंट वरी मैं कल बनाऊंगा आपको, आज चले लीजिए अनमोल यादव जी, आप ओल्ड स्टूडेंट का नाम ले रहे हो तो लीजिए जी, खुश हो, चलो अब मनमानी नहीं करनी है, ठीक है। जो एक शीट की तरह होते हैं वो स्ट्रेटस कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइरस है, साइरोस्ट्रेटस भी है, साइरोक्यूमुलस भी है, है ना। तो ये स्ट्रेटस क्या है, जो बेड शीट की तरह एकदम थिन लेयर्ड होंगे, दे आर स्ट्रेटस, एंड जब वो आइस एक कॉटन बॉल की तरह गोल शेप में होंगे, काफ़ी पफी से होंगे, तो हम उनको बुलाएंगे क्यूमुलस, ठीक है। अब ये हर एक क्लाउड के साथ लगता रहेगा, जैसे ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस, ये नाम उसकी शेप के वजह से पड़े हैं। जो शीट लाइक होंगे उनको स्ट्रेटस बुलाएंगे, जो कॉटन बॉल की तरह गोल पफी होंगे राउंड शेप में उनको हम क्यूमुलस बुलाएंगे, राइट। तो हाइट के अकॉर्डिंगली पहले हम हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर साइरस मिलेंगे, साइरस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। उतनी हाइट के ऊपर जो राउंड पफी शेप के अंदर है वो है आपके साइरोक्यूमुलस, जो एकदम शीट लाइक थिन शीट लाइक है वो है आपके साइरोस्ट्रेटस, क्लियर। वैसे ही लो या मिडल ऑल्टीट्यूड पर हम आएंगे तो वहाँ पर मिलेंगे हमें ऑल्टो, ऑल्टो या फिर क्यूमुलस, ठीक है, क्यूमुलस को ऑल्टो भी कहते हैं। तो ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, गुड गुड। चलिए, और जब हम लोअर ऑल्टीट्यूड पर आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेंगे स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड द क्यूमुलस, राइट। और इसी के अंदर जब वो ब्लैक अपीयरेंस के अंदर आ जाएंगे, काले हो जाएंगे, इट मीन्स उसके अंदर आईसी ड्रॉपलेट्स अब वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, या वाटर ड्रॉपलेट्स इतने नीचे आ गए तो टेम्परेचर तो होगा उसके अंदर, है ना, टेम्परेचर वेरी किया है तो आईसी ड्रॉपलेट्स दोबारा से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर वो जब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो बारिश करेंगे, और बारिश करते हुए बादलों को बुलाते हैं निम्बस, ठीक है, निम्बस या निम्बोस्ट्रेटस, राइट। हाई ऑल्टीट्यूड पर साइरस, दिस वन साइरस, ये हाइट लिखी हुई ना, हाई क्लाउड्स आर साइरस, मिडिल क्लाउड्स आर ऑल्टो, ऑल्टो या
क्यूमुलस, ठीक है, एंड देन लो क्लाउड्स आर स्ट्रेटस। डन, मैं आगे चलता हूं, आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। नाउ हाई क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, इसी को हम इसकी शेप चेंज कर देते हैं। हाई क्लाउड्स 20,000 फीट या फिर 6,000 मीटर से ऊपर मिलते हैं, इनको साइरस भी बुलाया जाता है, ठीक है। दे आर एक्चुअली वेरी थिन और इसमें से जो सन रेज है वो परलोकेट कर जाती है, पास थ्रू कर जाती है, ठीक है। अरे अनमोल यादव, किस लिए बनाया आपको मॉडरेटर? उज्जवल किस लिए हो आप? मुझे करना पड़ रहा है ये काम, ठीक है। तो सनरेज निकल जाती है उसके बीच में से, सनरेज को रिफ्रैक्ट या डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, एकदम लाइट इसमें से पास थ्रू कर जाती है, दे आर साइरस। अब एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊँ, साइरस मिलते हैं, वेट उनका बढ़ता है, वो नीचे आते हैं तो वो क्यूमुलस बनते हैं, फिर वो स्ट्रेटस बनते हैं। ऐसे ही एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हाई क्लाउड है तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना, वो एक दूसरे के पास आकर दोबारा नीचे की तरफ ही आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस की तरह चीज़ें चलती रहती है, सब कुछ साइकिल के अंदर ही चलता रहता है। नाउ टाइप ऑफ हाई क्लाउड्स, साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस। अब ये तो साइरस है माय डियर फ्रेंड, जो थिन लेयर्ड होंगे, थिन लेयर्ड वो है आपके साइरोस्ट्रेटस, जो गोल कॉटन बॉल की तरह होंगे वो होंगे आपके साइरोक्यूमुलस, ठीक है। राउंड पफ शेप्ड उनकी होती है। चलेंगे आगे, मिडल क्लाउड्स, मिडल क्लाउड की शेप देख लीजिए आप कैसी होती है, ठीक है। इसमें से लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, और ये स्टॉर्म आने का इंडिकेशन भी देते हैं, ठीक है। क्या आने का? स्टॉर्म आने का, आंधी वगैरह आने का इंडिकेशन भी देते हैं। हाइट इसकी अगर मैं बात करूं तो 2000 से 6000 मीटर्स तक वैरी करते हैं। इनको ऑल्टो भी बुलाया जाता है, और ये कभी कभी विरगा प्रोड्यूस करते हैं। विरगा क्या होता है? ऐसी रेनफॉल जो अर्थ सर्फेस तक नहीं पहुँचती, हवा में ही सस्पेंड हो जाती है, उसको बुलाते हैं विरगा, राइट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ और जो पीडीएफ देता हूँ अलग अलग होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। आज तक ये तो आप पहले एस्पिरेंट हो जो ऐसा बता रहे हो मुझे, अदरवाइज ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आई है कभी, राइट। विरगा समझ आ गया सभी को कि विरगा क्या होता है? चलिए बताइए विरगा क्या होता है, एक बार आप बताएंगे फिर मैं चलूँगा आगे, मुझे लगना चाहिए ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं बाकी। चलिए फटाफट बता दीजिए यार, जल्दी से। हाँ ठीक है जी, चलिए। मिडल क्लाउड्स उनको ऑल्टो भी बुलाते हैं, ऑल्टो अगर वो थिन लेयर्ड होंगे तो ऑल्टो स्ट्रेटस, और अगर वो राउंड शेप में होंगे तो ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। ऑल्टो स्ट्रेटस दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट, शीट की तरह होते हैं माय डिफरेंट, ठीक है। और दे क्लाउड में ओपन फॉर्म अहेड ऑफ स्टॉर्म्स, मैंने पहले बुलाया कि स्टॉर्म की इंडिकेशन है, जब भी लोअर क्लाउड होंगे तो टेम्परेचर एकदम ब्लॉक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगी ना वो सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगी, तो क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर। जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मूवमेंट बंद हो जाती है, राइट। अब जैसे ही मूवमेंट बंद होगी और प्रेशर बढ़ेगा,
तो हवा बाहर की तरफ मूव करनी स्टार्ट करेगी, और जब वो मूव करनी स्टार्ट करेगी तो माय डियर फ्रेंड स्टॉर्म के इंडिकेशन बनती है। ठीक है यार, अब ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्चुअली हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 20-22 क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योग्राफी के, जिसमें से 8 क्वेश्चन आसपास वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन के आसपास, तो रफली हम मान के चले 20 क्वेश्चन का एरिया। तो आपको हर चीज़ जाननी है, यूनिवर्स से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यूनिवर्स से, एक क्लाउड से, एक एटमोसफेयर से, एक एटमोसफेयरिक प्रेशर से, एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक लैंड फॉर्म से बिल्कुल आते हैं। ठीक है, एक आपके ओशन करंट से, एक विंड से, लोकल विंड से, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू किशन प्रसाद जी, थैंक यू। हाँ मैं समराइज कर देता हूँ, मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ऑल्टो क्यूमुलस ये ग्रे कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अब एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो गए हैं, अब इन्होंने वाटर हेल्ड कर लिया है बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ साथ इसकी हाइट, ये जो हाइट थी अब कम हो गई है। अब टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से जो आईसी ड्रॉपलेट्स थी वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी, इसलिए ये ग्रे कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लो क्लाउड्स माय डियर फ्रेंड ये इतने नीचे आ जाते हैं कि अब ये रेन फॉर्मिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, इनको स्ट्रेटस क्लाउड भी बुलाया जाता है, ये अभी भी अगर शीट लाइक हैं तो इनको स्ट्रेटस ही बुलाएंगे, और अगर ये राउंड शेप के होंगे तो इनको क्यूमुलस बुलाएंगे। ठीक है जी, क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड द स्ट्रेटस, एंड जब वो रेन फॉर्मिंग के लिए एकदम तैयार है तो उनको बुलाएंगे निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो, निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस बोथ आर सेम एंड बोथ आर द रेन फॉर्मिंग क्लाउड। ये वही क्लाउड है जो कभी ज़्यादा अमाउंट हेल्ड नहीं कर रहे थे, सस्पेंडेड थे, तो इनको साइरस बुलाया गया, फिर ये नीचे आए, जब एक दूसरे के साथ पैचअप हो गया इनका, नीचे आए तो ये बने राउंड शेप के अंदर या शीट लाइक, और इनके अंदर आईसी ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो गए तो इनको बुलाया गया क्यूमुलस एंड देन नाउ स्ट्रेटस, और ये स्ट्रेटस रेन फॉर्मिंग क्लाउड इसके अंदर एक टाइप है निम्बो। राइट, क्लियर? चलिए और इसी के साथ साथ एक फोर्थ टाइप है क्लाउड्स का, जिसको हम ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट जिसको बुलाते हैं, और उसका नाम है माय डियर फ्रेंड। अच्छा, उससे पहले ये मानिए कि वो जो क्लाउड हैं वो जनरली स्टॉर्म क्लाउड उसको कहा जाता है, स्टॉर्म क्लाउड। ठीक है, वो काफ़ी हाइट तक ऊपर चले जाते हैं, काफ़ी हाइट तक चले जाते हैं ये। ठीक है, मैंने बुला जैसे ही आपको बताया कि लोअर से हायर जो वेरिएशन है, इट मीन्स 2000 से 6000 मीटर्स की हाइट तक ये चले जाते हैं बड़े प्यार से। ठीक है जी, और क्यूमुलोनिम्बस एंड क्यूमुलस उसके दो टाइप हैं। क्यूमुलोनिम्बस वो जिसका लोअर जो पार्ट है वो रेन करता है, जो रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स उसके अंदर होते हैं, जो एक कंटिन्यूस हाइट के अंदर रहता है, पूरा का पूरा पिलर की तरह एक बादल। ठीक है जी, उसको उसके अंदर जो उसका लोअर एरिया है वो बारिश करता है, उसको हम क्यूमुलोनिम्बस बुलाते हैं। निम्बस वर्ड जहाँ भी आएगा वो रेन फॉर्मिंग क्लाउड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, रेन फॉर्मिंग क्लाउड है वो, और ये जो आपके क्यूमुलोनिम्बस है ऑलमोस्ट इनस्टेबिलिटी इंडिकेट करते हैं। इट मींस 380-90। अरे बहुत बढ़िया यार, दिख हाँ होता तो दिख रहा है बहुत प्यार से। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस माय डियर फ्रेंड एक्चुअली शो करते हैं जो वेदर है वो बिगड़ने वाला है। ठीक है, आंधी भी आने वाली है, बारिश भी आने वाली है, काफ़ी तेज हवाएं चलने वाली है। राइट, चलिए ऑफ कोर्स ये सारे क्लाउड इंडियन क्लाइमेट में दिखते हैं, इंडियन क्या वर्ल्ड ओवर दिखते हैं। ठीक है, हाँ ये वेरी करते रहते हैं, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो आपके इक्वेटर के पास ज़्यादा दिखते हैं, 0° to 10° नॉर्थ एंड 10° साउथ क्यूमुलोनिम्बस फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। क्यूमुलोनिम्बस रेन फॉर्मिंग क्लाउड है। ठीक है, हद हो गई, राम
मुझे खत्म ही करना पड़ा ये देखो। और ये प्रेसिपिटेशन जब होती है इसी वजह से चलता है साइकिल आपका वाटर साइकिल, ठीक है जी, वाटर साइकिल। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है रेन फॉर्मिंग का, क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी का, विंड्स का, ये सारा का सारा चलता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि टेम्परेचर की वजह से होता है, राइट। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्टली आता हूँ एक स्लाइड के ऊपर, क्योंकि अब बातें हम ज़्यादा करेंगे नहीं। हाँ जी बिल्कुल, एयर जो है वो कॉलम्स के अंदर मूव करती है लाइक दिस, उसके अंदर ही जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जब एक्सपेंड होकर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। क्या होता है? प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। जब प्रेशर यहाँ रिलीज होता है इस एयर कॉलम का, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम, ठीक है। ये वैक्यूम या जो स्पेस है ये जो क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से जो आसपास के इलाकों में एयर कॉलम्स हैं उनको अंदर आने की जगह मिलती है, इसी वजह से उसकी मूवमेंट बनती है। एंड द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये मैं अभी आपको थर्ड और फोर्थ बार बता रहा हूँ, है ना। अब होता क्या है कि लो प्रेशर एरिया में इनवर्ड पोजीशन रहती है विंड की, चारों तरफ से अंदर आएगी, ठीक है, इनवर्ड पोजीशन रहती है, इनवर्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एयर इनवर्ड है यहाँ पर, राइट। और जो हाई प्रेशर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर इसने एग्जर्ट किया है एयर कॉलम ने इस पर्टिकुलर एरिया पर, कि जो नीचे की एयर है उसने बाहर की तरफ निकलना है। मेयोनीज वाला एग्जाम्पल याद है सभी को, मेयोनीज वाला है, बस वैसे ही। अब यहाँ से एयर बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी? जहाँ पर उसको स्पेस मिलेगा। स्पेस कहाँ मिल रहा है? लो प्रेशर पर। इसलिए यहाँ पर इनवर्ड है और यहाँ पर आउटवर्ड है। ये बात याद रखनी है आपने, क्यों? क्योंकि ये साइक्लोन्स के अंदर याद रहेगा आपको, साइक्लोन्स के अंदर काम आने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो लो प्रेशर में इनवर्ड पोजिशन होती है एंड हाई प्रेशर में आउटवर्ड पोजिशन होती है, लाइक दिस ओनली, ठीक है। इनवर्ड पोजिशन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के अंदर आपके साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, हालांकि याद है, बहुत बढ़िया। चल, यहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर ये कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग कहाँ पर है आपका? ITCZ पर। ITCZ कहाँ? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री में कहाँ? 0 to 10 एंड 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसलिए यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस, इट मींस 2000 मीटर्स की हाइट के ऊपर काफ़ी घने बादल बनते हैं और वहाँ पर रेन करते हैं, उस वजह से, ज़्यादा रेन होने की वजह से वहाँ पर आपको मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। कहाँ मिलते हैं ये आपको? इक्वेटर एरिया पे, है ना। अब आप देखिए, आप ब्राज़ील की तरफ, इंडोनेशिया, ये सारे, और आपके केनिया, कितने डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर। ये सभी के सभी तभी हैं जब वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा किस वजह से होगी? जब वहाँ पर निम्बस क्लाउड होंगे। निम्बस में भी कौन से? क्यूमलो निम्बस, राइट। एंड क्यूमलो निम्बस कैसे बनेंगे माई डियर फ्रेंड? जब वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन ज़्यादा कब होगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? प्रेशर इज लो, प्रेशर इज लो देयर, एंड 0 डिग्री इज अ लो प्रेशर एरिया। एंड वन मोर थिंग, वहां पर कन्वर्जेंस जोन भी है जिसको हम ITCZ के नाम से जानते हैं। इट मींस हाई प्रेशर एरिया, इट मींस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 0 डिग्री की तरफ ही हवा आती है। इसलिए सारे फिनोमिनाज को हम मिक्स कर दें तो आपको एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि डेंस फॉरेस्ट आपको ब्राज़ील, केन्या, इंडोनेशिया ही क्यों मिलते हैं। द पिक्चर इज क्लियर हेयर ऑन योर स्क्रीन, कैसा लगा? कुछ क्लियर हुआ है ना? स्कूल की प्रिपरेशन से थोड़ा, स्कूल की स्टडी से थोड़ा अलग है ना।
ITCZ is intertropical convergence zone. Intertropical यार, intertropical area, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच का इलाका है ना, बीच का जो जोन है जिसको हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, और वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, राइट? हटके चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो गोल गोल हवा घूमती घूमती रहती है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखना चाहेंगे एक्सेप्शंस? देख लीजिए, मैन नो वन कैन, रजनी कैन, राइट? सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, रजनी दादा एक्सेप्शन है भैया ये, ठीक है? चलिए, चल ये जो वेरिएशन बनी है आपकी टेम्परेचर की वजह से, उससे बनते हैं एयर प्रेशर, माय डियर फ्रेंड, एयर प्रेशर। सिंस एयर हैज मास, इट आल्सो हैज वेट। जब वो वेट लूज करेगा तो लो प्रेशर, जब एग्जर्ट करेगा तो हाई प्रेशर, राइट? अब इस एयर प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, माय डियर फ्रेंड? मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है? अब आपके लिए टास्क ये है कि एक बार आप देखेंगे कि बैरोमीटर के कितने टाइप हैं, ठीक है? कितने टाइप्स हैं किसके, बैरोमीटर के? ठीक है, ये बैरोमीटर के टाइप्स आप देखेंगे। नाउ जो यूनिट रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो यूज करते हैं उसको बुलाते हैं मिलीबार्स, ठीक है? 1 मिलीबार इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 1 ग्राम ऑन अ स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? अ प्रेशर ऑफ 1000 मिलीबार्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ 1.05 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर? चलिए, राइट? चल, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ऑल्टीट्यूड में तो क्या होगा, अगर हम हाइट पर जाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाइट के ऊपर हम जा रहे हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहां पर प्रेशर कैसा होगा? इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद हाइट। इन द लोअर एटमोसफेयर, इट मीन्स ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर 2000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट? एट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट द एयर प्रेशर इज अबाउट 1/3 लेस देन द टेटो, जो कि सी लेवल पर जितना प्रेशर होता है उसका 1/3 आपको माउंट एवरेस्ट पर मिलेगा, राइट? माउंट एवरेस्ट पर, मैं अभी बिल्कुल बेसिक्स पर आ रहा हूँ इसलिए मैं ना स्किप कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। हाँ चलिए, अब माय डियर फ्रेंड, जो सरफेस एरिया एक जैसा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं उनको अगर हम एक लाइन से कनेक्ट कर दें तो उन्हें आइसोबार्स बुलाते हैं। उसको करने का फ़ायदा क्या है? ये आइसोबार्स आपने कभी देखा होगा मैप के ऊपर ऐसे लाइन स्ट्रोक कर रखी होती है, वो जो लाइंस हैं वो एक जैसा प्रेशर पूरे यहाँ पर, एक जैसा प्रेशर है फिर यहाँ पर, यहाँ, 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 एयर प्रेशर शो करता है। ये एयर प्रेशर का मतलब है ये टेम्परेचर शो करता है कहाँ पर कैसा है, ठीक है? टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा तो हाई एंड लो प्रेशर तो होगा, हाई एंड लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, एयर कॉलम एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, है ना? इट मीन्स लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से एयर आएगी तो उससे क्या होगा, स्टॉर्म, रेन, काम वेदर, डिस्टर्ब्ड वेदर, ये सभी चीज फोरकास्ट करने में मदद मिलती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, राइट? अब यहाँ पर 2 मिलीबार्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो एरिया
एक्सपीरियंस करेगा नॉर्मल वेदर, और यहाँ पर मिलीबार्स के बीच में गैप कम होगा, तो यहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी और यहाँ पर इंस्टेबल वेदर आपको देखने को मिलेगा. राइट, क्लियर? आइसोबार्स डन, कूल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माय डियर फ्रेंड साहिल चौहान जी, 5 बजे तक चलेगी. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए. सारा का सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित आक्रमण बैच पर मिलेगा, और डेली करंट अफेयर्स आपको मेरे चैनल सनी वर्मा के ऊपर मिल जाएगी. सनी वर्मा आप सर्च करेंगे तो मेरी डीपी आपको दिख जाएगी विद दिस मुस्टैचेस. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा. डन, नमस्ते जी. ठीक है, चलिए. अब टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से आपके पास बने 7 प्रेशर बेल्ट्स. 0 डिग्री मैंने आपको बताया टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा रिसीव करता है, तो आइसोबार्स माय डियर फ्रेंड, चलिए बता देता हूँ. आइसोबार्स होते हैं लाइंस हैं जो कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर को कनेक्ट करती है. जैसे कि दिल्ली है, उसी लैटिट्यूड के ऊपर आप मान लीजिए जयपुर है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, और एक जैसा टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उन सभी को ड्रॉ कर देंगे एक ही लाइन से कि हाँ इन सभी इलाकों में एक जैसा टेम्परेचर है, और सारी की सारी विंड्स यहाँ से अपलिफ्ट करेगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो लो प्रेशर रहेगा, और आसपास के इलाकों से यहाँ पर हवा आ सकती है. इट मीन्स यहाँ पर इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि एयर टेम्परेचर कम होने की वजह से टेम्परेचर डिस्टर्ब रहेगा, हवाएं तेज रहेंगी यहाँ पर. ठीक है, तो आइसोबार्स है आपका एरियाज एक्सपीरियंसिंग सेम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, चलिए. 7 प्रेशर बेल्ट्स आर हेयर, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर लो एंड द पोलर हाई. नाउ दिस एरिया इज योर इक्वेटर. सो इक्वेटर पे मिलेगा आपको लो प्रेशर, यहाँ पर मिलेगा हाई प्रेशर. हाई प्रेशर 3, लो प्रेशर 4, लो प्रेशर 5, हाई प्रेशर 6, हाई प्रेशर 7. 7 प्रेशर बेल्ट्स आर हियर, राइट? लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, राइट? लो हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है, एंड वेन द एयर असेंड एंड देन डिसेंड आफ्टर द कंडेंसेशन, तो इस इलाके पर करेगा प्रेशर एग्जर्ट वो एयर कोलम, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है. जनरली ये 30 डिग्री पर बनता है. सेम नदन एंड सदन एटमोसफेयर दोनों में ऐसा ही होता है, यहाँ भी 30 डिग्री पर बनेगा. राइट, एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो सरफेस के पास एयर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कहाँ, जहाँ पर भी उसको जगह मिलेगी. ठीक है, तो वहाँ से वो जगह कहाँ पर क्रिएटेड है, स्पेस क्रिएटेड एट द इक्वेटर इटसेल्फ, ना बताया था अभी मैंने. तो ये साइकिल चलता रहता है, दिस साइकिल, दिस, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसको हेडली सेल बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? हेडली सेल. इसके ऊपर वाले कॉलम को फेरल सेल बुलाते हैं, फेरल. और जो सबसे ऊपर वाला कॉलम है उसको पोलर सेल बुलाएंगे, पोलर सेल. राइट, क्लियर? हेडली सेल के अंदर ईस्टर लाइस चलती है, नाउ हेडली सेल, यहाँ पर जो एयर चलेगी वो ईस्टर लाइस चलती है, इट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन से आएंगी, ईस्ट डायरेक्शन से. ठीक है, इनको ट्रेड विंड भी बुलाते हैं, और ये 30 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ जाएगी.
ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों, ठीक है, एंड 0 डिग्री टू 10 जो है वो आपका क्यूमुलोनिम्बस वाला इलाका है जिसको हम डोलड्रम्स बुलाते हैं, राइट। आई थिंक यहां दिया भी होगा, क्लियर, समझ आ गया सभी को, एक बारी में तो नहीं आने वाला है। एक बार में तो नहीं होने वाला, इसलिए मैं आपको फेरल सेल नहीं समझा रहा हूँ अभी। फेरल सेल समझाऊंगा तो फिर आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर पोलर सेल की तरफ मैं जाऊंगा तो फिर वहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम्स आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर जेट स्ट्रीम्स क्या है, तो अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस हेयर, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एट दी 0 डिग्री टू 10 डिग्री, इसलिए वहां पर आपको मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, और 10 डिग्री से 30 डिग्री तक वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है उसको हम हेडली सेल के नाम से बुलाते हैं। हेडली सेल के अंदर जो भी एयर मूवमेंट है वो ईस्टरलाइज होगी, ईस्टरलाइज ईस्ट डायरेक्शन से आएगी, इसीलिए वो आके कन्वर्ज होती है कहाँ पर, 0 डिग्री पर या 10 डिग्री पर, इसलिए उसको ITCZ बुलाते हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स माय डियर फ्रेंड, जो ईस्टरलाइज को ट्रेड विंड भी बुलाया जाता है, ट्रेड विंड इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो ट्रेड में हेल्प करती थी जब सेलिंग की वजह से, सेलिंग ही एक मेथड था नेविगेशन का, ठीक है, तो इसी वजह से, ठीक है। लो इक्वेटर, जो लो प्रेशर है इक्वेटर पे, उसको डोल ड्रम्स बुलाते हैं, मैंने बताया आपको 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक, ठीक है जी। ये जो इसके बीच का इलाका है इसको कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, कि दोनों ईस्टर लाइज जो हैं 30 डिग्री से 0 डिग्री पर आकर कन्वर्ज होती है और अपना अपना रास्ता बदल लेती है। जो नदर हेमिस्फीयर से सदर्न की तरफ जा रही है वो तो लेफ्ट की तरफ निकल लेती है, और जो सदर्न से नॉर्थ की तरफ जा रही है वो राइट को मुड़ जाती है, ठीक है, रास्ता बदल लेती है अपना अपना। ये होता है एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर की वजह से, और एयर मूव करती है उसी के साथ साथ, सॉरी, अर्थ मूव करती है उसके साथ, कॉन्टैक्ट में जो कुछ भी मैटर या सब्जेक्ट आएगा वो भी मूव करेगा उसके साथ साथ, ठीक है। अरे विक्रांत थैंक यू, इसको डोल ड्रम्स क्यों बुलाते हैं, डोल ड्रम्स, ये ऐसे ढोल हैं जो कहीं दूर बज रहे हैं, ठीक है। ढोल जब दूर बज रहे होते हैं ना तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, आप इंजॉय कर पाते हैं कि हाय क्या बढ़िया बज रहे हैं, लेकिन जब वो ढोल पास बजते हैं ना तो आपके कानों में लगते भी और आप बोल भी नहीं पाते, फिर उसको कहते हैं अरे भाई रुक जा बात तो करने दे, है ना, काफ़ी शोर हो जाता है। शेर सिंह सरारी को समझ नहीं आया, अरे शेर सिंह क्या डाउट हो गया बताइए, शेर सिंह नाम बहुत ज़बरदस्त है, वही आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। जैसे कि देखिए यार, आपके टीचर का नाम है सनी, सनी मीन्स सन रेज, है ना, और सन किसका प्रतीक होता है, होप का, होप, है ना, यस। होप तो हम हमेशा रखते हैं। अनुराग ठाकुर नींद आ रहा तो सो जाइए यार, ये क्या सोने का टाइम है, चले गाइस आई विल सी यू टुमारो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ हेडली सेल तक सीमित रहेंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। शेर सिंह जवाब नहीं दिया आपने, क्या डाउट हो गया, बवाल। चलिए मैं तो हूं अभी, आप लोग बाय बाय करना स्टार्ट कर दिया। चलिए
चलिए मैं इसी को कल रिज्यूम करूंगा और कल इसको ख़त्म भी करेंगे हम, ठीक है? चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, सी यू टुमारो।